हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मोस्ट वेलकम तो सभी को हैप्पी होली। और होली स्पेशल मैं लेके आई हूँ दही बड़ा। तो इसे बनाने के लिए क्या करना होगा मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये है उड़द की दाल जो कि मैंने रात को भिगो दिया था इसको, और इसका छिलका उतार दिया था। और आप अगर आपके पास बिना छिलके की हो तो आप वो भी भिगो सकते हैं। अब मैं इसे मिक्सी में अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी और इसको मतलब पीस दूंगी। अगर ना पीसे तो हल्का फुल्का पानी डाल दें, नहीं तो कोशिश करें कि ऐसे ही पीस जाए, क्योंकि थोड़ा परेशान सा करती है ये दाल पीसने में। तो बस अभी ये दाल पीस चुकी है, मैं इसको निकाल दूंगी एक अलग बर्तन में। और आप देख सकते हैं अच्छा सा एक पेस्ट सा बन गया है, काफ़ी अच्छे से पीस गई है। तो सभी दाल को इसी तरह पीस के तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद आ गए, ये सब दाल मेरी पिस चुकी है, ये देख सकते हैं आप। मैंने डाली इसमें हींग, और हींग डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटना है मुझे एक ही डायरेक्शन में। हाथ से फेंट सकते हैं, चम्मच से फेंट सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप फेंट सकते हैं। लगभग इसको 10 से 15 मिनट तक फेंटना है, तो मैं इसे एक ही डायरेक्शन में हाथ से फेंटूँगी क्योंकि मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो बस मैं इसी तरह से फेंटती रहूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर एयर हो जाए इसके, तो अच्छे से मेरा जो दही बड़ा है वो फूल जाएगा। और इसको चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। पानी में मैं छोटी छोटी बड़ी जैसी डाल रही हूँ, और वो आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर नहीं जा रही हैं, ऊपर ही तैर रही हैं। तो मुझे इसी तरह की दाल चाहिए। तो मेरी दाल एकदम रेडी हो गई है, आप खुद देख सकते हैं एक भी पानी के अंदर नहीं गया है, सब तैर रहे हैं। तो बस मेरा ये सब कुछ रेडी हो गया है, और मैं इसको निकाल के वापस दाल में मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से तैर रहे हैं ये। तो मेरी जो दाल है वो दही बड़े बनाने को रेडी है। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया ऑयल, और इधर रख दिया है मैंने गर्म पानी होने, क्योंकि मुझे बाद में गर्म पानी भी चाहिएगा दही बड़े सोक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे गोले जैसे मतलब बनाऊंगी। तो पहले मैं टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। तो ज़्यादा हाई हीट वाला तेल नहीं चाहिए, मीडियम सा ऑयल चाहिए। तो मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में या रिफाइंड ऑयल में किसी में भी बना सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो बस ये छोटे छोटे गोले मैं बना लूँगी, और जितना मेरे एक बार कढ़ाई में आएंगे उतना मैं डाल दूँगी। तो मीडियम आँच में ही इसे बनाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसी तरह से मैं बना के रेडी कर लेती हूँ सभी जो दाल के एक पकौड़ी जैसी मतलब एक गोला जैसे तैयार कर लेते हैं। और अच्छे से मैं इसको सेक दूंगी हल्का हल्का गोल्डन होने तक, और बहुत अच्छा कलर आता है क्योंकि एकदम अंदर से ना स्पंची होते हैं, तो काफ़ी जल्दी से ये तल जाते हैं। तो बस मैं एक बैच तो निकाल ली हूँ, दूसरा डाल दूंगी। और आप चाहें तो इसे नमक डाल के इसी तरह सॉस से भी खा सकते हैं या किसी चटनी से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं मुझे दही बड़ा बनाने हैं तो बस मैं उसी की तैयारी में हूँ। अब मैं दूसरा बैच डाल देती हूँ, और जो मेरे बने हुए हैं वो मैं इसको पानी में डाल के रखूँगी ताकि एक ये नरम सा मतलब बन जाए, ये एकदम बढ़िया हो जाए। तो मैंने ये ले लिया है गरम पानी, और मैंने इस गरम पानी में हींग और नमक को ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक और हींग दोनों चीज़ें डाल दें, और उसके बाद दही बड़े मैं इसमें डाल के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर, ताकि जो इसका पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तब इसे फ्रिज में रखूँगी, ताकि और भी ठंडे हो जाएं और खाने में और भी टेस्टी लगे, क्योंकि गरम गरम दही बड़े कम अच्छे लगते हैं। तो आप इनको सूखे स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होते एक हफ्ते तक, इस तरह से भी रख सकते हैं। जब खाएं तब आप गरम पानी में डाल के दही बड़े रेडी कर सकते हैं। तो जो मैंने सोक किए थे वो दही बड़े सोक अच्छे से हो गए, तो मैं इनका पानी निकाल दूंगी और इनकी कर दूंगी प्लेटिंग, खाने के लिए रेडी है। तो पानी मैंने सब निकाल दिया और ठंडे एकदम चिल्ड हो गए हैं। तो मैंने दही डाल दिया है उसके ऊपर, और ये दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से चम्मच से, और चटनी डाल दूंगी, हरे धनिए की चटनी डाल दी है, बाद में मैं इमली की चटनी डाल दूंगी जो कि होममेड है, घर पर बनाई हुई। तो बस मैं वो डाल दूंगी,
और इसके ऊपर नमक, काला जी मतलब भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर ये सब मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद अच्छे से मतलब सब में स्प्रिन कर देना। और ये डाल दिया मैंने भुजिया नमकीन और खाने के लिए रेडी है। और आप चाहें तो अपने मनपसंद और भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट कर।